ढाल 16 समाचारी नामक 26वें अध्ययन में मुनि जीवन के 10 आवश्यक और निषेध का वर्णन है। खलुंकीय नामक 27वें अध्ययन में गर्गाचार्य के कुशिष्यों की बात वर्णित है और 28वें मोक्ष मार्ग गति के अध्ययन में दर्शन ज्ञान चरित्र का 6 द्रव्यों का 9 तत्वों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। गुरुदेव श्रीमद विजय जयसेन सुरेश्वर जी महाराज ने भवी जीवों हेतु इसे सरल और सुंदर शब्दों में ढाला है। वीर प्रभु की वाणी है अमृत बूंद विचार, अविरत चलती अनुपम जैसे बरसती जलधार। वीर प्रभु की वाणी है अमृत बूंद विचार, अविरत चलती अनुपम जैसे बरसती जलधार। समाचारी का अध्ययन आया, 26वां है मुनि सुखदाया। समाचारी का अध्ययन आया, 26वां है मुनि सुखदाया। पालन करते उसका हो शांति का अंबार, अविरत चलती अनुपम जैसे बरसती जलधार। चलती अनुपम जैसे बरसती जलधार। अभ्युत्थान उप संपदा सोहे, मिथ्याकार तथा कार विबोहे। अभ्युत्थान उप संपदा सो है, मिथ्याकार तथा कार विभो है। विश्व कल्याणी वाणी करना है नित स्वीकार, अविरत चलती अनुपम जैसे बरसती जलधार। निवार के कहे जो सिकारो, विनय युत उप संपदा सारो। मिथ्या निवार के कहे जो सिकारो, विनय
ययुत उपसंपदा सारो। दस है समाचारी मुनि जीवन का आधार, अविरत चलती अनुपम जैसे बरसंती जलधार। समझाते अभिनय शिष्यों को बारंबार, अविरत चलती अनुपम जैसे बरसंती जलधार। कुशिष्यों को गुरु जी ने छोड़ा, अकेले बिहार किया मुख को थमोड़ा। कुशिष्यों को गुरु जी ने छोड़ा, अकेले बिहार किया मुख को थमोड़ा। मानी न गुरु की वाणी थे मूरख सरदार, अविरत चलती अनुपम जैसे बरसंती जलधार। चलती अनुपम जैसे बरसंती जलधार। षड् द्रव्य नव तत्व वर्णन है आया, सम्यक्व तप का भेद बताया। षड् द्रव्य नव तत्व वर्णन है आया, सम्यक्व तप का भेद बताया। द्रव्यानुयोग का चिंतन अद्भुत है उसका सार, अविरत चलती अनुपम जैसे बरसंती जलधार। वीर प्रभु की वाणी है अमृत बूंद विचार, अविरत चलती अनुपम जैसे बरसंती जलधार।